Hello everyone, welcome to the channel Psych Learning. It's Deepika here, and as you all know that we have already started a series for class 11 जिसमें हम chapter 1 part 1 कर चुके हैं. chapter 2 को successfully complete करने के बाद हमने ये series start करी है. so अगर आप channel पर new हैं या अगर आप 12th class के हैं या अगर आपको उस syllabus को study करना है, because as you know that syllabus is important for CUET also, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं. channel को subscribe कर दीजिए, notifications on कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए. आज हम पार्ट टू कर रहे हैं उस चैप्टर का, चैप्टर नंबर वन का, विच इज व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, एज अ डिसिप्लिन क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछले क्लास की वीडियो के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे, आपको वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी. अगर नहीं भी हुई है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एंड अगर आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो उसके लिए आप हमसे प्राइवेट ट्यूशंस के लिए भी बात कर सकते हैं, उन सबके लिए आप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड आई थिंक येस कवर्ड ऑल द थिंग्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट टू, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. अब माइंड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, उस चीज को हमें स्टडी करना है, उसका हमें मीनिंग देखना है, वो क्या होता है, दैट इज वी हैव टू स्टडी. आप देखो, माइंड एक ऐसी चीज होती है ना जो हमें दिखाई नहीं देती. आप बोलते हो मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, ठीक है, मेरा मन कर रहा है आज ये खाने का, मन कर रहा है घूमने का. सो माइंड कहाँ से आता है, वो मन दिखता तो नहीं है, कोई फिजिकल या कोई टेंजिबल पार्ट तो है नहीं वो. तो माइंड, ये बात सच है कि दिखता नहीं है और कोई भी उसका कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है एज सच. और ब्रेन क्या होता है, ब्रेन ये आपका प्रॉपर ब्रेन, ये पूरा आपका सर है. उसको आप खोलोगे अगर, ब्रेक इनटू करोगे, तो यहाँ पर आपको अलग 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 क्या होगा, पार्ट दिखाई देंगे आपको, प्रॉपर ब्रेन के पास समझ में आएंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रेन. तो ब्रेन माइंड नहीं होता और माइंड ब्रेन नहीं होता, लेकिन हम ये समझते हैं कि माइंड जो है वो बिना ब्रेन के हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन में नॉलेज जाती है, इन्फॉर्मेशन जाती है, तभी समझ में आता है उसको कि हाँ ये माइंड है ये सब, राइट. तो देखो, अब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे हैं, उन्हें देख के हमें पता लगा कि चीजें अगर मतलब ब्रेन के पास नहीं भी जा रही है फिर भी हमें समझ में आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ आर माइंड. जैसे कि ये बोल रहे हैं सम पेशेंट्स, कुछ पेशेंट का उन्होंने क्या किया ना, ऑसिपिटल लोब रिमूव किया. सो यू नो ऑसिपिटल लोब क्या होता है, ऑसिपिटल लोब वो होता है जो एक्चुअली हमें देखने के लिए इस्तेमाल हमारे किया जाता है. जैसे कि हमें कोई भी विजन में जितना भी काम होता है आपका आईज का रिलेटेड, वो ऑसिपिटल लोब काम करता है. उसको सर्जिकली रिमूव भी अगर आप कर देते हो ना, हैव बीन फाउंड टू बी रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू लोकेशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ विजुअल क्यूज, विजुअल क्यूज की समझ के लिए, राइट. सिमिलरली एक एग्जाम्पल मैंने दूसरा लिखा हुआ है कि एक एमेच्योर एथलीट था, तो उसका क्या था, उसका एक हाथ टूट गया था फॉर एग्जाम्पल, हाँ, क्योंकि हो जाता है टूट जाता है, हाथ जो है वहां से टूट गया था, खराब था, नहीं मतलब काम करा था, मतलब पहले करता था बट उसके बाद खराब हो गया, ठीक है. उसके बावजूद भी उसको जो है वो फील होता है, सेम लाइक दैट फिक्शन, जैसे कि हमने बताया कि हमारी आईज का ऑस्पिटल लोब हटा दिया फिर भी हमें कॉन्फिगरेशन समझ आती है, हमें पता होता है कि हमारे रूम के आगे ये चीज है, ये लग जाएगी, ये दिख रहा है, ये चीज, मतलब ये जो बेसिक कॉन्फिगरेशन है, बेसिक जो चीजें हैं वो हमें समझ में आती हैं बिकॉज ऑफ आवर माइंड, जो हमारे माइंड में चीजें हमें लर्नड है, जो हमें को हमारे माइंड में है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में है वो चीज. जैसे इसमें क्या लिखा है, जब भी उसे कॉफी दी जाती है तो वो फैंटम आर्म को आगे उठाता है कॉफी लेने के लिए, वो इस सीधे हाथ को आगे उठाता है कि हाँ मुझे चाय पीनी है, जबकि उसको पता है कि फैंटम आर्म से चाय नहीं पी सकते, बट वो फैंटम आर्म के लिए चाय उठा रहा है बिकॉज उसके माइंड को नॉलेज है कि हाँ हमेशा ये वाला ही हाथ आगे जाता है, इसलिए हम वो करते हैं. वो मूव चीजें आपको याद होगी, ठीक है ना. अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपका सिग्नल जा रहा है, क्योंकि सिग्नल तो जा नहीं सकता फैंटम आर्म में, फिर भी आपका ये चीज काम कर रहा है. तो इन सबके रीजन ये होते हैं कि आपका माइंड जो है वो वर्किंग है, राइट. एक एग्जाम्पल उन्होंने ऑर्निश का दिया है, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने स्टडी किया, उनकी आर्टरीज ना ब्लॉक थी. आई होप यू नो आर्टरीज, जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, दीज आर आर्टरीज. तो जो उनकी आर्टरीज थी ना वो ब्लॉक थी, उनको जिन पे ये स्टडी की गई, तो उनको फिर क्या किया, उन्होंने उनको ना एक इमेज दिखाई, एक फिगर दिखाई या एक मतलब वीडियो दिखाई बेसिकली, और दिखाया कि कैसे आपकी आर्टरीज में ना ब्लड फ्लो हो रहा है. दे शोड कि योर आर्टरीज आर एक्चुअली फ्लोइंग द ब्लड, हो नहीं रहा है, आपको ये समझना है कि ब्लड फ्लो हो नहीं रहा है, आपने बस उनको शो किया कि ये चीज हो रही है.
तो जब आप इसे बार 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 दिखा रहे हो कि देखो इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, उसके बाद क्या होता है कि द पर्सन एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग दैट ओके आर्टरीज का ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है और उस वजह से एक्चुअली में ब्लड फ्लो होने लग जाता है. सो दिस इज हाउ यू नो द माइंड ब्लोज प्लेज अ रोल कि वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होने लगती है. ऑब्वियसली ये नहीं है कि वो क्योर हो जाएगी. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि आप अभी भी बीमार हो, कुछ भी चीज है, आप पॉजिटिव व्यू रखो. बिकॉज अगर आप पॉजिटिव व्यू रखोगे ना तो वैसा होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. यहाँ पर जो डिसिप्लिन है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, वो एक्चुअली इम्फेसाइज करता है इस रोल में कि माइंड का क्या रोल है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करने में. क्योंकि माइंड अगर हमारा अच्छा से काम कर रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के इम्प्रूव रहेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट इज. कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. देन वी हैव पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी के लिए ना कुछ नोशंस पॉपुलर होते हैं. जैसे कि ना मतलब आपने देखा होगा, अगर आप किसी से बोलो कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो वो क्या बोलेंगे? माइंड पढ़ सकता है मेरा, पढ़ सकती है मेरा, पढ़ के दिखा. है ना, देखा है, बहुत होता है, राइट. तो लोगों को लगता है कि ये दिमाग पढ़ रहे हैं, माइंड पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हम साइकोलॉजी में बहुत कॉमन है. इस तरह की चीजें हमें सीखने को मिलती है, हमें सुनने को मिलती हैं, बट ये सच्चाई नहीं है. सो जो कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन होती है ना ह्यूमन बिहेवियर की, वो हमारे सिर्फ हिंडसाइट पर बेस्ड होती हैं. जो हमें लगता है हमारे सामने होता है हम उसे मान लेते हैं, हम उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड्स है, कोई फ्रेंड्स हैं या किसी भी रिलेशनशिप में है आपस में एक साथ में फैमिली के लिए या जैसे भी, तो अगर वो लोग दूर चले गए तो दो कहावत है. एक तो होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जब नजरों से गया दिमाग से गया इंसान भूल जाता है, नई फ्रेंड्स बनाता है, दैट्स ओके. पहला नोशन. दूसरा नोशन ये है डिस्टेंस मेक द हर्ट ग्रो फाउंडर, कि जितना दूर इंसान जाता है उतनी ज्यादा हमें उस इंसान की अहमियत पता चलती है, उससे हमें प्यार बढ़ता है, हमें लगता है कि वो होता तो अभी कितना बढ़िया होता. तो एक ये नोशन है. अब देखा जाए, आप भी मुझे बताओ, दोनों नोशन सही है अपनी अपनी जगह पर. किसी सिचुएशन में हो सकता है कि आउट ऑफ साइट वाला वर्क बेटर करता है, किसी सिचुएशन में डिस्टेंस मेक द हर्ट ग्रो फाउंडर बेटर वर्क करता है. अब इस तरह की सिचुएशन में एक्चुअली में होता क्या है कि आप अपने नोशन के हिसाब से चीजों को बना देते हो कि हाँ ऐसा ऐसा है, जो मुझे लगता है वो ये. लेकिन देखा जाए तो इसमें से साइंटिफिकल तो कुछ भी नहीं है. जो आपने देखा अपनी लाइफ टाइम में आपने वो बता दिया, जो किसी और ने देखा आपने वो उन्होंने वो बता दिया. ठीक है ना. सो इफ यू आर अनेबल टू फाइंड अ न्यू फ्रेंड यू विल कीप रिमेम्बरिंग योर फ्रेंड इफ ओनली. कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला तो उसी की आता है कि कोई मिल गया तो खत्म, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो इस तरह की जो नॉन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन होती हैं, जो सेंस में हमारी बनी होती है, उनका कोई साइकोलॉजी से ताल्लुकात नहीं होता, उसका कोई रिलेशन नहीं होता साइकोलॉजी से, उसका कोई वो नहीं है कि यू नो ये सही है. साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है. देन यू हैव एक स्टडी करी थी ड्यूइक ने, वो ये देखना चाहती थी कि कौन से बच्चे होते हैं जो जल्दी गिवअप कर देते हैं और कौन से बच्चे होते हैं जो जल्दी गिवअप नहीं करते. ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बनाए. एक ग्रुप में बच्चों को आसान आसान क्वेश्चन देती गई कि सारे आसान 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 क्वेश्चन दिए. एक ग्रुप में बच्चों को थोड़े आसान दिए, फिर मुश्किल दिए, और फिर जब वो नहीं कर पा रहे थे उनको बोला तुम करो एक बार और ट्राई करो, तुमने सही से ट्राई नहीं किया. इस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में ये किया. उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन दोनों ग्रुप्स को सेम पेपर दिए गए, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी थे उसमें. तो देखो कॉमन सेंस ये कहता है कि जो हमेशा जीतता हुआ आया है अगर वो कहीं हारेगा भी तो वो देख लेगा कि हाँ मुझसे क्यों न्योरा हो जाएगा, ये कॉमन सेंस कहता है. और अगर किसी ने मुश्किल क्वेश्चन करे तो वो चीज नहीं करेगा. लेकिन जो रिजल्ट्स आए ना वो उल्टे आए कि जो हमेशा जीतते आ रहे थे ना वो हल्का सा भी मुश्किल क्वेश्चन करके गिवअप कर दिया, छोड़ दिया उन्होंने, एफर्ट नहीं दिया. लेकिन दूसरे बच्चे जिनको शुरुआत में मुश्किल क्वेश्चन मिले थे, जो नहीं कर पाए थे क्वेश्चन, उन्होंने थोड़ा ट्राई किया कि ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन का क्या, इतनी जल्दी गिवअप नहीं किया. बिकॉज उनको ये चीज सिखाई गई थी कि आप ना ट्राई करो, आप एक गिफ्ट तो दो उसको, आप एफर्ट डालो, आप नहीं दे रहे हो शायद इसलिए वो नहीं हो रहा है. तो ऐसी चीजें जो होती है वो आपके साइंटिफिक स्टडीज से एक्सपेरिमेंट से क्लियरली पता चलती है. ठीक है, और कोई भी साइंस जो बेस्ड होती है वो ऐसे कॉमन सेंस पे बेस्ड नहीं होती है. ठीक है ना, आई होप दिस इज क्लियर. एंड इफ इट इज नॉट यू कैन ऑलवेज आस्क मी, जैसे मैंने बोला आप हमेशा पूछ सकते हैं. चलो अब हम चलेंगे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट में, विच इज एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. तो अगर आप इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हो तो इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि साइकोलॉजी आई कैसे. मतलब अभी तो हम पढ़ते हैं ना कि हाँ ये पहले ऐसा पॉइंट था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ. तो
जब एकदम से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई थी देखो तो वो ऐसी नहीं थी, तब उसमें चीजें अलग थी, थॉट्स अलग थे, लोगों के बात करने का तरीका अलग था, जो पॉइंट उनको रखना है वो अलग था, सब कुछ डिफरेंट था। तो इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी हुआ कैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे, क्या क्या चीज को स्टडी किया गया, उसके बाद फर्दर स्टडीज में क्या क्या आया। तो सबसे पहला जो था वो आया आपका स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल, ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट किया। तो बेसिकली सबसे पहले लीप्ज़िग जर्मनी में विलियम वुंड ने एक लैब बनाई थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, ठीक है। किसने? विलियम वुंड ने, कहां पर? लीप्ज़िग जर्मनी में। अब उनके स्टूडेंट थे एडवर्ड टीकनर, उन्होंने उन्हीं चीज को फॉलो करके स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल बनाया, ठीक है। वो नाम यहां मेंशन नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूं, विलियम वुंड भी याद कर सकते हैं। उन्होंने बोला इंट्रोस्पेक्शन करो, लोगों से पूछो कि आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या थिंकिंग है, आपके माइंड में क्या चीजें हैं, इंट्रोस्पेक्ट करो चीजों को लेकर के, ठीक है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन इतना अच्छा मेथड नहीं है ना, बिकॉज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप झूठ भी तो बोल सकते हो, या हो सकता है कि आपको खुद ही नॉलेज ना हो कि आप क्या फील कर रहे हो, एनीथिंग कैन बी अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस। तो इसलिए इस मेथड को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद आया विलियम जेम्स का नेक्स्ट स्कूल विच इज फंक्शनिज्म, एंड विच सेज दैट, एंड ऑल्सो, हाँ सॉरी मैं एक चीज और भूल गई इसमें, स्ट्रक्चरलिज्म ऑलवेज सेज दैट कि स्ट्रक्चर आप स्टडी करो, आप देखो कि ब्रेन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, मतलब बेसिकली ब्रेन और माइंड के पार्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को स्टडी करो। और डिटेल में भी है, इफ यू वॉन्ट टू रीड मोर अबाउट दिस और यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस, आप मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली रिलीज अ वीडियो रिगार्डिंग दिस, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म काफी इंटरेस्टिंग और पहला और बहुत ज्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रखने वाला स्कूल है, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। देन वी हैव विलियम जेम्स का फंक्शनलिज्म। तो उन्होंने कहा कि देखो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं रखा है, आपको जो करना है फंक्शन पे करो, आप काम करो कि उसका इस्तेमाल क्या है, माइंड का इस्तेमाल क्या है, ब्रेन का काम क्या है, एनवायरमेंट के हिसाब से ढल कैसे रहा है वो चीजें, फंक्शन की बात करो आप, माइंड के स्ट्रक्चर की बात मत करो। जॉन डूई भी थे, वो एजुकेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी इस चीज को फेवर किया। फिर आए 20th सेंचुरी में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, और ये बनी स्ट्रक्चरलिज्म के उसमें रिस्पॉन्स में। स्ट्रक्चरलिज्म बोल रहा है कि टुकड़ों में पढ़ो, गेस्टॉल्ट बोल रहा है पूरे को पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी मी, यू डोंट सी वन आई डिफरेंट, वन आई वन नोज माउथ एंड दिस, यू विल सी एज अ होल अ गर्ल। आप एक पेन देखते हो, सपोज यू आर लुकिंग एट दिस पेन, दिस पेन यू विल नॉट सी कि इसमें एक अलग कैप है, एक बेर्डी है, ये है, उसके बाद रिफिल है, ये वो। पहले आप देखोगे दैट दिस इज अ पेन, सिंपल। उसके बाद आप देखोगे कि ये ऑरेंज कलर का है, इसमें कैप टिक वाली नहीं है, ऐसे वाली है, इसमें इंक है व्हाइट कलर की, यहां से व्हाइट बॉडी है, तो आप उसको बाद में करोगे। आपके लिए होल इंपॉर्टेंट है, ना कि पार्ट्स। ये बोलता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। देन आया बिहेवियरिज्म, जो कि जॉन वॉटसन ने दिया 1910 के अराउंड, एंड ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस कि देखो हम जो भी बिहेवियर चाहे वो किसी इंसान को लर्न करा सकते हैं, मैनिपुलेट करा सकते हैं, भुला सकते हैं, याद करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं अपनी मर्जी से, एनवायरमेंट से। तो ये बिहेवियरिज्म बोलते थे। एंड ऑल्सो बिहेवियरिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो भी बिहेवियर दिख सकता है, ऑब्जर्वेबल है, वही स्टडी करने के लायक है। ओके, दैट्स इट। ये वॉटसन ने बनाया था, बस इसमें काम जो है वो पावलोव, स्किनर, इन सब का है। बाकी ये सारी चीजें हम चैप्टर 4 लर्निंग में पढ़ेंगे कि इनकी क्या एक्सपेरिमेंट थे, उनसे इंस्पायर होकर वॉटसन ने किया। तो मैं इसे डेफिनेटली वहां पे ना कनेक्ट करूंगी, तो फिर आप समझ पाओगे कि हाँ ऐसे ही बात कर रहे हैं। उसके बाद नया स्कूल आया जो कि सिगमंड फ्रॉयड ने दिया, इट वॉज अबाउट साइको एनालिसिस, विच सेज दैट कि जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उससे इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बनते हैं। जो चीजें अनकॉन्शियसली उनको नहीं मिल पाती है, उस चीज के लिए वो स्ट्राइव करते हैं एंड वहां से पर्सनैलिटी बनती है। देन आया ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो इसके अगेंस्ट में आया। उन्होंने कहा कि नहीं, इतना नेगेटिव नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट और ये सब, पॉजिटिव बिहेवियर भी होता है बहुत ज्यादा। और क्या कहते हैं, इट्स लाइक कि आप हमेशा स्ट्राइव करना चाहते हो फॉर द गुड थिंग, आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप सेल्फ एक्चुलाइज होना चाहते हो, आप लाइफ का मीनिंग समझना चाहते हो, अपना पोटेंशियल समझना चाहते हो, ठीक है। फ्रीडम आपको चाहिए, डिग्निटी चाहिए, अच्छा बुरा जैसा भी है आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो ये जो अलग अलग अप्रोचेस हैं, फील्ड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड प्रोवाइड मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू इट्स डेवलपमेंट, और इससे क्या होता है अलग अलग डेवलपमेंट आती है। एंड देन जो फाइनल आपका है वो आया, नॉट फाइनल एक्चुअली, एक चीज और है उससे पहले कि जो गेस्टॉल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म की अप्रोच को प्लस करा ना, मतलब मिलाया, मर्ज किया, उससे एक अप्रोच आई विच इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो देखो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बेसिकली टॉक्स अबाउट कि कैसे माइंड जो है हमारा काम करता है, कैसे हमारा माइंड जो है वो कंप्यूटर की तरह है, इसमें कोई चीज जाती है, फिर वो स्टोर होती है, फिर दिमाग में हम यूज करते हैं, फिर उसे रिट्रीव भी करते हैं, कॉग्निशन। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली ये कहते हैं कि जो नॉलेज होती है ना,
तो वो जो नॉलेज होती है वो एक्चुअली बनाई जाती है, वो कंस्ट्रक्ट करी जाती है, ठीक है। वो नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, बनाई जाती है, जिसमें से जो पियाजे हैं वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपने एनवायरमेंट से बनाता है अपनी नॉलेज खुद की, जबकि जो विगोत्स्की है वो ये कहते हैं कि एक इंसान जो है वो सोसाइटी के साथ मिलकर, या सोसाइटी उसकी हेल्प करती है, सोशल या कल्चरल तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। सो विगोत्स्की वो सेम है, बस विगोत्स्की एंड पियाजे का थोड़ा सा डिफरेंस है कि पियाजे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं माइंड को एंड विगोत्स्की कल्चर को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग अप्रोचेस आए और जो बेस्ट अप्रोच लगती है वो इस्तेमाल की जाती है। ऑब्वियसली अभी तो सबका मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, इट्स बेसिकली एक्लेक्टिक अप्रोच यूज की जाती है, बट ये अलग अलग अप्रोचेस के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और इन सबको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। अभी हमने पढ़ा है, उसमें आगे भी हम पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में भी आप देखोगे चीजें आती हैं, तो वो सब चीजें कनेक्टेड है। एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ये पर्सपेक्टिव क्या बोल रहा है, और कहीं पर कोई पर्सपेक्टिव वर्क करता है, कहीं पर कोई पर्सपेक्टिव वर्क करता है, तो उसके लिए आपको सारे पर्सपेक्टिव स्टडी होने चाहिए और समझ आने चाहिए। आई होप आपको ये सारे क्लियर है। कोई भी पर्सपेक्टिव या किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने जो दिया नहीं समझ में अगर आया आपको, तो आप कॉमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं, मैं उसके लिए कोई भी फुल वीडियो या शॉर्ट वीडियो जैसा भी है लेकर आऊंगी। इतना आज के लिए बहुत है, आई गेस सो, बिकॉज इट्स टू मच ऑलरेडी। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में क्या हुआ वो हम कल पढ़ेंगे, और उसके साथ हम थोड़ी सी ब्रांचेस करेंगे, एंड देन कल की क्लास में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4। आई विल मेक यू श्योर दैट आई कंप्लीट द चैप्टर्स बिफोर योर एग्जाम कम, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, टर्न द नोटिफिकेशन ऑन एंड बी अपडेटेड, सो दैट यू नो दैट वेन द वीडियोज आर कमिंग एंड यू विल नॉट गेट पाइंड अप फॉर द सिलेबस। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्स, बाय बाय।